को दे करके इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। मैं आग्रह करता हूं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से कि अगर कहा जाता है स्मॉल चेंजेस कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ टैलेंटेड स्टूडेंट्स ऑफ बिहार, तो इसलिए इस पर ध्यान दिया जाए। यही सदन क्या है, हाँ आग्रह है कि आप इसको करें, मेरा यही आग्रह है। महोदय, MBBS एवं PG में नामांकन, परीक्षा का आयोजन एवं अन्य सभी संबंधित दिशा निर्देश का सीधा पर्यवेक्षण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। इस दिशा निर्देश का अनुपालन भारत सरकार NMC एवं मेडिकल काउंसिलिंग कमिटी द्वारा कराती है। मैंने अपने प्रश्न के जवाब में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर ही उच्च न्यायालय के माननीय सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में स्वतंत्र इकाई गठित है और उस इकाई के द्वारा शुल्क निर्धारण किया जाता है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि अलग अलग कॉलेज के अलग अलग शुल्क होते हैं, उस संबंध में मैंने 8 जो मानक हैं उसकी चर्चा की है कि NMC ने यह निर्देश दिया है कि जिस संस्थान का शुल्क तय किया जा रहा है उन संस्थानों का शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टाफ का वेतन एवं भत्ता देखिए, प्रशासनिक सेवाओं का व्यय देखिए, प्रयोगशाला का संधारण लागत देखिए, आकस्मिक व्यय वैधानिक आवश्यकताओं सहित देखिए, पुस्तकालय हेतु पुस्तकों एवं जर्नल्स की आपूर्ति का व्यय देखिए, आधारभूत सुविधाओं सहित भवनों का संधारण का व्यय देखिए, निवेश किए गए पूंजीगत व्यय आधारभूत सुविधाओं को देखिए, शुल्क निर्धारण समिति द्वारा आकलित अन्य आवर्ती व्यय देखा जाता है। इसके बाद भी माननीय सदस्य की जो भावना है और पूरे सदन की, मैं समझता हूं कि यह भावना होगी, मेरी भी वही भावना है, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी यही भावना है कि यह शुल्क कैसे कुछ और कम किए जाए। इसीलिए मैंने कहा है कि यह सदन की जो भावना है, माननीय सदस्यों की जो भावना है, उस भावना से जो स्वतंत्र इकाई है माननीय न्यायाधीश सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति है, उनको हम इससे अवगत कराएंगे और आग्रह करेंगे। पूरक है, पूरक है, पूरक है, अबे 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 उन्हीं का पूरक है। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, अभी आप कहाँ आ गए, पहले बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो होगा ही, और माननीय मुख्यमंत्री, पहले 8 ही मेडिकल कॉलेज थे बिहार में, अब 24 हो रहे हैं सरकारी, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मेरा आग्रह है कि हर एक जिला में भी मेडिकल कॉलेज हो जाए, जैसे महाराष्ट्र में है तो वो बहुत अच्छा रहेगा, बेगूसराय खगड़िया में भी मेडिकल कॉलेज की जरूरत है। लेकिन माननीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री बार बार ये बोल रहे हैं कि उनका खर्चा का व्यय दिखाया जा रहा है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का, सारा व्यय भी दिखा दिया जाए खर्चा का, उसके बाद भी 4 से 5 लाख से ज्यादा लेना अनुचित है। ये एक पैसा कमाने का एक जरिया बना दिया गया है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, उसको रोकना पड़ेगा हमें बिहार के हित में। ये बहुत बड़ा मुद्दा है माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी के लिए मैं उठाया हूँ, सारे सदन के सदस्य भी हमारे साथ हैं। आपका सुझाव ग्रहण किए। चलिए नीतीश मिश्रा जी, आपके पहले हाथ उठाए, बैठ जाइए। माननीय मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट से बताया, मैं 2 पूरक माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि वर्तमान में हमारे यहाँ कितने सीट्स, हमारे इनटेक कितने हैं, और जो 12 हमारे प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज हैं जब बन जाएंगे तो बिहार में कितने मेडिकल सीट्स होंगे। और दूसरा मेरा ये प्रश्न है अध्यक्ष महोदय कि जो 12 मेडिकल कॉलेज हमारे आने वाले समय में फंक्शनल होंगे, एक कठिनाई है कि फैकल्टी की कमी हमारे सभी मेडिकल कॉलेजेस में है, और आज भी प्रतिनियुक्ति पर जब MCI का इंस्पेक्शन होता है तो एक कॉलेज से दूसरे कॉलेजेस में फैकल्टी को या प्रोफेसर्स को वहां पर हम लोग प्रतिनियुक्त करते हैं। तो 12 प्रस्तावित जो सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं उनमें हमारे जो मेडिकल काउंसिल के जो प्रावधान हैं उसके तहत हमारे यहाँ सारे टीचिंग फैकल्टी हो जाएं, उसके बारे में सरकार की क्या योजना है? इस प्रश्न से जुड़ा नहीं है, फिर भी माननीय मंत्री, नहीं प्रश्न से जुड़ा नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ही अलग प्रश्न है, लेकिन सदन के लिए जरूरी है इसका जानकारी रहे। लगभग 1850 अभी UG की सीटें राज्य के अंदर में जो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस है उसके अंदर में, और भविष्य में जो मेडिकल कॉलेजेस हम खोलने वाले हैं उन मेडिकल कॉलेजेस में भी जो हमको असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर की जरूरत है, उसकी नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत हम नियुक्ति करते हैं। लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि फैकल्टी की कमी के कारण कठिनाइयां आती हैं और जब MCI का इंस्पेक्शन होता है तो उस समय कभी कभी डिफिशियंसी MCI की तरफ से दिखाई जाती है। मैं माननीय सदस्य को इतना कहना चाहूंगा कि यह
एक ऐसा प्रश्न है जिसका समाधान अचानक एक दिन में नहीं निकाला जा सकता है। यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है और यदि पूर्व से इस राज्य के अंदर मेडिकल कॉलेजेस पर्याप्त संख्या में खोले गए होते, यदि इस राज्य के अंदर पर्याप्त संख्या में मेडिकल पढ़ के बच्चे आगे बढ़े होते तो आज राज्य के अंदर ना चिकित्सकों की कमी होती ना चिकित्सा क्षेत्र के शिक्षकों की कमी होती। और मैं माननीय संजीव जी को कहना चाहूंगा कि 2005 तक 8 नहीं 6 ही सरकारी कॉलेज था, 16। सुन लीजिए, जो काम मैं ठीक है 1947 से 2005 आने में 58 साल लगा महोदय, और 58 साल में 6 मेडिकल कॉलेज खुला इस राज्य में, और इस 16 साल कर रहे हैं, 16 साल में 6 खोल दिए, अगला 4 साल में 12 और खोल रहे हैं, बन रहा है सब, कोनो हवा में हम नहीं बोल रहे हैं, जमीन पर काम हो रहा है। तो सोचिए कि 56 साल में 6 और 16 4 साल और जोड़ दीजिए तब 20 साल में हम 18 को देंगे। अब कितना काम किए सो देख लीजिए। लेकिन प्रश्न ये नहीं था, प्रश्न से चूंकि अलग संबंधित प्रश्न पूछा गया पूरक, तो मैंने उस संबंध में जवाब दिया है, लेकिन मूल प्रश्न जो है ठीक है नहीं, हम मूल प्रश्न जो है माननीय सदस्य, मूल प्रश्न के संबंध में मैंने कहा गंभीरता से, ये पूरे बिहार माननीय मंत्री जी आज यूक्रेन के मामला को देखते हुए बिहार के इतने बच्चे मेडिकल पढ़ने वहां जाते हैं, ये विषय बहुत गंभीर है कि बिहार के बच्चे बिहार में पढ़ें। सरकार की सजगता दिखाई पड़ रही है लेकिन इसको और गंभीरता से लेने की जरूरत है। इसी क्रम में मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को और सदन से अनुरोध करना चाहती हूँ। माननीय सदस्य बैठ जाएं। एक मिनट, आपका सिग्नेचर इस पर नहीं है, जिनका माननीय बैठ जाइए। इतने बच्चे बिहार के महोदय इतने बच्चे बिहार के यूक्रेन से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से बिहार वापस लौटे हैं। मनोज मंजिल जी किसी दिन एगो फूल लेके नहीं गए किसी लड़का का स्वागत करने के लिए, यहाँ भाषण दे रहे हैं। लखेंद्र जी, माननीय सदस्य लखेंद्र कुमार जी, मंजिल जी बैठ जाइए, मंजिल जी बैठ जाइए, गंभीरता सुनिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं देश के प्रधानमंत्री जी को, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी को, जो यूक्रेन में फंसे हुए बिहार और देश के बच्चे को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाए। हमारे वैशाली जिला में 5 बच्चे उसी से जुड़ा हुआ है, उसी से जुड़ा हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी से जुड़ा हुआ है। वैशाली जिला भूमिका में समय बर्बाद मत करिए। 5 बच्चे यूक्रेन से आए हैं, हमने परिवार के लोगों से मिला और परिवार के लोगों से मिलने के बाद मैक्सिमम विद्यार्थी मेडिकल के छात्र थे और मेडिकल के छात्र यूक्रेन में पढ़ते। हमने पूछा जो भाई यूक्रेन आप क्यों गए, तो कहा जो वहां फीस बहुत कम लगते हैं और दूसरा क्या है आरक्षण का कैटेगोरी भी वहां तय किया गया है आरक्षण के आधार पर क्या। तो मैं केवल माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं जो मेडिकल के पढ़ाई करने के लिए क्या इसमें आरक्षण रोस्टर पर भी ध्यान दिया गया है, क्या इसमें खर्चा का भी निर्धारित की गई है क्या। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं। ये इस प्रश्न से जो बार बार इस पर चर्चा हो रही है यूक्रेन में जो कुछ